Hey guys, I am शालू and welcome to my channel शालू beauty and fashion। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए साड़ी रियूज आइडिया का कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। मेरी पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को भी या फिर मेरी सारी वीडियोस जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ उसे आप लोग उसी तरह प्यार करेंगे। तो चलिए जल्दी से आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट साड़ी है मैं आपको दिखाती हूँ, एक मेरी चुनरी प्रिंट की साड़ी थी जो बहुत पुरानी हो गई थी और मुझे इसे पहनने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ कुछ मिक्स एंड मैच किया जाए या इसके साथ कुछ DIY किया जाए। तो मैंने ये साड़ी, ये साइड से मैंने इसमें एक स्लिट रखा है, ये देखिए, और यहाँ पे एक डोरी जो है वो मैंने यहाँ पे हैंग की है और इसमें एक लटकन प्लस मोती बीड्स के काम दिए हैं जिससे इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। और इस साइड से ये बिल्कुल भी स्टिच्ड है, इस साइड से मैंने इसे ओपन रखा है और इस साइड से स्टिच्ड है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो नेक पे है ये मैंने खुद ही स्टिच किया है, नेक पे ये बटन की डिटेलिंग दी है और ये इसको आप इस तरह लूप के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिजाइन उस टाइम बहुत ज्यादा या अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और इसकी जो स्लीव्स है, ये मेरे पास एक ब्लाउज, मैंने रेडीमेड ब्लाउज लिया था तो उसके साथ ये स्लीव प्रोवाइड की गई थी, लेकिन मुझे स्लीव्स उसमें अटैच नहीं करने थे। लेकिन इसका जो स्लीव था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि इसके साथ अगर मैं इसे लगाऊंगी, डबल स्लीव का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है और आजकल लेयर स्लीव्स बहुत ज्यादा फैशन में भी है, जिससे मेरा ये स्लीव भी यूटिलाइज हो गया और इसका लुक भी इसके चलते बहुत ज्यादा इन्हेंस हो गया। और मैंने ये स्लीव्स इसमें इसीलिए अटैच किए कि आप देख रहे होगे यहाँ पे छोटे छोटे सीक्वेंस के काम दिए गए हैं। अगर ये बिल्कुल भी प्लेन रहता तो शायद मैं इसमें ये स्लीव्स अटैच नहीं करती, लेकिन ये इसमें सीक्वेंस के काम दिए गए थे इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो स्लीव्स है वो अटैच की है। ये देखिए ये बिल्कुल भी लंबा है, बिल्कुल भी आपके एंकल लेंथ तक आएगा। और नीचे जो बॉर्डर था मैंने उसकी इसकी पट्टी टाइप की इसे नीचे में रहने दिया, इसे मैंने कट नहीं किया है। मैं ट्राई करूंगी कि सारे फ्रॉक्स का या सारे सूट्स का मैं आपको इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दूं जिससे आपको आइडिया हो जाए। तो अगर आपके पास भी इस तरह की चुनरी की बांधनी की कोई साड़ी पड़ी हुई है, इसके पहले भी मैंने अपना एक लहंगा शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने वो चुनरी साड़ी से बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको अपने वीडियो के लास्ट में एड स्क्रीन में और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट साड़ी है। जो सेकेंड साड़ी है ये देखिए, जो सेकंड साड़ी है वो भी एक सिल्क की साड़ी थी जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन इसे पहन पहन के एक ही कपड़ा मैं बोर हो गई थी। तो मैं चाहती थी कि इसके साथ मैं कुछ DIY करूँ, तो मैंने इसका एक शॉर्ट अम्ब्रेला फ्रॉक बनाया है, मैंने इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखा है। और सामने में ये देखिए मैंने इसमें हाफ कॉलर ये स्टिच करवाया है, मैंने हाफ कॉलर इसे स्टिच किया है और सामने में आई और बटन की हुक दिए गए जिसे आप खोल सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। और जो इसका बेस्ट पार्ट है वो है इसका बैक, ये इस तरह होल है। मुझे इस तरह के नेकलाइंस बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की सिल्क की या सिंथेटिक की साड़ी है जो पुरानी हो चुकी है, आप उसे रियूज करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहे तो उसका गाउन बनवा लीजिए, नहीं तो शॉर्ट फ्रॉक बनवा लीजिए। आप उसके साथ और भी एक यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसे धोती पैंट्स, आजकल बहुत ज्यादा इन है, आप धोती पैंट्स और पेपलम टॉप भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो नेक्स्ट था ये देखिए, मैंने इसको कुछ इस तरह से स्टिच करवाया है। तो जो नेक्स्ट साड़ी है, मेरे पास एक जॉर्जेट की साड़ी थी, वो साड़ी थोड़ी सी जल गई थी। मैं अभी भी, मेरी कुछ साड़ियां हैं जो जल गई हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम आयरन करते हैं और हमारी साड़ियां जल जाती है, तो मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइज, मैं जो भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट करूंगी साड़ी रियूज से मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैं एक बात और आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे शर्ट के फैब्रिक से भी बहुत कुछ स्टिच किया। आपके पास अगर ब्लाउज के पीसेज है, आप ब्लाउज नहीं सिलवाना चाहते तो उसे भी आप रियूज कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया चाहिए कि आप शर्ट के कपड़े को कैसे यूज कर सकते हैं और आप ब्लाउज पीसेस को कैसे यूज कर सकते हैं, तो अगर मुझे 50 कमेंट आएंगे तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा और मेरे चैनल शालू ब्यूटी एंड फैशन
फैशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं यहाँ ब्यूटी रेमेडीज, फैशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज अपलोड करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को पहले चेकआउट करिए, अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ती हूँ नेक्स्ट साड़ी की ओर। ये मेरी जॉर्जेट की साड़ी जो जल गई थी, मैंने इसका फ्रॉक जैसा गाउन होता है, फ्रॉक गाउन होता है, मैंने इस पैटर्न में इसे स्टिच करवाया है और सामने से इसे फ्रंट स्लिट ओपन जो रहता है वो मैंने किया है। और ये देखिए सामने में मैंने इसमें टैजल ऐड किए हैं और वेस्ट पे मैंने एक स्ट्रिंग लगाई है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और आप इसे घटा भी सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो इसकी नेक रखी है वो बोट नेक रखी है और जो साड़ी की जो पट्टी थी उसे मैंने थोड़ा सा खोल के यहाँ नेकलाइन पे एडजस्ट कर दिया जिससे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया। और यहाँ पे भी मैंने एक टैजल अटैच किया है। इसकी जो स्लीव्स है वो मैंने थ्री, आप बोल लीजिए यहाँ तक आती है, एल्बो की थोड़े ऊपर 3/4 तो स्लीव से ये थोड़ी छोटी मैंने रखी है। ये देखिए, और ये नीचे जो बॉर्डर था मैंने इसे एज इट इज रहने दिया है। ये जो पट्टी थी पट्टी भी मैंने इसी तरह रहने दी है। तो ये फ्रंट स्लीव और इसमें कुछ भी नहीं है ओवरऑल। देखिए ये फ्रंट स्लीव मैंने बनाया है, पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है। मैं आपको जब यहाँ पे इमेज इंसर्ट करूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली कैसा लगता है। तो इसी साड़ी का मैंने उसे भी यूज किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सी कितना सुंदर है ना यार, मैंने इसे एक स्टॉल की हेल्प से उसकी जितना लेंथ मैंने उससे कट कर दिया, विथ वाइज भी और लंबाई में भी। और मेरी पास मैंने एक कुर्ती स्टिच की थी जिसके फैब्रिक उसका बचा हुआ था, तो मैंने उस फैब्रिक से टैजल लगा के, आजकल फैब्रिक के पॉम पॉम्स टैजल्स ये सब बहुत ज़्यादा इन है, तो ये देखिए मैंने ओवरऑल इस पे इसी तरह का ब्लू कलर का पॉम टैजल लगा दिया है। और ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत, आप देख रहे हैं, आप बहुत ही इजीली इस तरह का स्टॉल अपने घर में बना सकते हैं। अगर आप मार्केट से परचेस करेंगे तो आपको ये कम से कम ये 200 या 250, अगर आप लोकल फूड से लेते तो अगर इतने में आपको पड़ेगा, और अगर आप किसी अच्छे मॉल से लेते हैं तो आई एम श्योर आपको 500 के नीचे ये नहीं मिलने वाला। तो प्लीज किसी भी फैब्रिक को वेस्ट समझ के फेंकिए ना, उसका यूटिलाइज करिए। साड़ी का रियूज मैंने किया है, वो मेरे सारी साड़ियों में से फेवरेट है। वैसे तो पहनने के बाद सबका लुक बहुत अच्छा आता है और मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ मैंने जो भी इसका रियूज किया है। तो जो मेरी लास्ट और मेरी फेवरेट रियूज प्रोजेक्ट है मैं आपको दिखाती हूँ। सी दिस इज अ वेरी नाइस नाइस साड़ी रियूज। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कन्वर्ट दिस साड़ी इंटू दिस अनारकली गाउन। ये मेरी एक, ये देख रहे, बनारसी टाइप की साड़ी थी, एक्चुअली ब्रोकेट और बनारसी का मिक्सअप था उस टाइम। दिस साड़ी वॉज वेरी मच इन ट्रेंड, लेकिन फिर धीरे धीरे इसका फैशन चला गया, लेकिन मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, मैं किसी को ये देना नहीं चाहती थी। तो मैंने अपने टेलर के पास, उस टाइम मैं स्टिचिंग नहीं करती थी, मैंने टेलर के पास जाके अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उनके साथ क्लियर किया और मेरे टेलर ने इसे कस्टमाइज करके मेरे अकॉर्डिंग इसे दिया है। तो ये देखिए इसका ऊपर का जो योक है बिल्कुल भी प्लेन है, इसे मैंने बिल्कुल भी, ये फुल स्लीव है और जो भी इसका बॉर्डर बचा हुआ था बस मैंने एक एल्यूमिनेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ मिडिल में भी एक पट्टी अटैच करवा दी है जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पहनने के बाद। और ये मैंने कलीज में बनाई है, ये देखिए ये 36 कली जिसे हम बोलते हैं, 36 कली का ये अनारकली है। उस टाइम कलीज का जो फैशन था वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, या अभी भी है, ये सब कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते हैं। और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी थी मेरे साड़ीज में वो बीच बीच में कली में आ गई है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बैक में भी मैंने पाइपिंग डलवा, सॉरी बैक में ये बिल्कुल भी राउंड नेक है और सामने में मैं इसे पाइपिंग डलवाई थी। ये देखिए ये बिल्कुल भी फ्लोर लेंथ का कुर्ता है, ये बहुत 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 सुंदर कुर्ता है। आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए ये बहुत बहुत सुंदर कुर्ता है, आई जस्ट रियली टोटली लव विद दिस अनारकली कुर्ता। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बनारसी साड़ी पड़ी हुई और उसे आप पहनना नहीं चाहते, आप उसे रीयूज करना चाहते हैं, तो प्लीज इस तरह का कुर्ता आप स्टिच करवाइए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई रिक्वेस्ट है आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी
कि मैं आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाऊं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हाँ, अगर आप लोगों को शर्ट और ब्लाउज रीयूज का कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर बनाऊंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।